गाइज और सब मैं हूं एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। गाइज आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कस करने वाला हूं, हाउ टू रिकवर आफ्टर लूजिंग स्ट्रीक। अगर आपकी मल्टीपल ट्रेड्स लॉस हो चुकी हैं, मतलब कॉन्टिन्यूस ट्रेड्स लॉस हो चुकी हैं, 4, 5 ट्रेड, 6 ट्रेड, अगर आप किस तरीके से ट्रेड लॉस हुई है, अब वहां पर आपको क्या करना है कि आप प्रॉफिटेबल आओ। ऐसे 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं, गोल्डन पॉइंट्स हैं, सारे के सारे पॉइंट अपने आप में बहुत वैल्यू रखते हैं, एक भी पॉइंट मिस मत करना। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी भी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, स्टे काम। अब यहां पर आपको सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना जरूरी है, इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, आपके जैसे कितने हजारों लाखों लोग होंगे जो सेम सिचुएशन फेस कर रहे हैं, लॉस हो रहे हैं। लेकिन आपको ये सोचना है कि ऐसे हजारों लाखों लोग भी हैं जो ऐसे स्ट्रिक्स को तोड़ के प्रॉफिट भी करते हैं या एट द एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिटेबल होकर निकलते हैं। तो आपको अपना माइंडसेट स्ट्रांग रखना है सबसे पहला और बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना। सेकंड पॉइंट, एनालाइज योर ट्रेड्स। अब यहां पर एनालाइज का मतलब यह है, लेट्स से मैं एक सिनेरियो पकड़ता हूं कि आपकी 4 कॉन्टिन्यूस लॉस हो चुकी हैं। आपको यह देखना है कि 4 कॉन्टिन्यूस ट्रेड्स का मार्केट आपने क्या चूज करा था, कहां पर आपने ट्रेड प्लेस करी थी और आपकी ट्रेड लॉस में गई है, कितने मार्जिन से गई है, और उसके बाद में जब आपकी ट्रेड लॉस हो चुकी है वहां से मार्केट ने कैसा बिहेवियर दिखाया है, और ये पूरा आपको कैसे पता चलेगा, आपको सबकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग, मैंने पहले ही बताया आपको, जब भी अपनी ट्रेड्स लेते हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग जरूर लो और स्क्रीन रिकॉर्डिंग या एटलीस्ट स्क्रीनशॉट लेके रखो उस ट्रेड का या फिर उस मार्केट का जहां पर आपने लिया है ट्रेड, जो कि आपको हेल्प करेंगे एनालाइज करने में कि आपने कहां पर गलती करी है और अब आपको क्या करना है। अब जैसे मैं अपने सिंगल ग्रुप्स के अंदर अपनी ट्रेड्स शेयर करता हूं, कभी कभी हम 4 कॉन्टिन्यूस ट्रेड भी लॉस करते हैं एंड सभी ट्रांसपेरेंसी के साथ होता है, आपको पता है, और कभी कभी हम तीसरे के बाद चौथी रिकवर भी करते हैं और 4 अगर लॉस है तो उसके बाद हम नेक्स्ट डे या फिर नेक्स्ट सेशन में रिकवर भी करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, लॉसेस बिल्कुल नॉर्मल है बट आपको पता होना चाहिए कैसे आपको इससे रिकवर करना है, क्या गलत गया था और अब आपको क्या सही करना है, ठीक है। कभी कभी आपको सेशंस के अंदर लगातार 3 प्रॉफिट भी मिलते हैं, कभी कभी आपको लगातार 4 प्रॉफिट भी मिलते हैं, कभी कभी 2 प्रॉफिट मिलते हैं, फिर 1 लॉस, फिर 1 प्रॉफिट, और कभी कभी आपको लगातार 3 लॉस या 4 लॉस भी मिलते हैं। बट मार्टिंगल बहुत जरूरी है, आपको पता होना जरूरी कि आपने कहां गलती करी और मार्टिंगल को यूज करके आपको उसको प्रॉफिटेबल कन्वर्ट करना है। एंड थर्ड पॉइंट इज टेक अ ब्रेक। अब टेक अ ब्रेक का मतलब यहां पर क्या है, आप लेट्स से आपके 4 कॉन्टिन्यूस लॉस यहां पर हो चुके हैं, अब आपका माइंडसेट खराब हो चुका है, आपको भी नहीं समझ में आ रहा मैं कहां ट्रेड प्लेस करूं, कितना अमाउंट यूज करूं, टेक अ ब्रेक। आप थोड़ा बहुत जो भी आपको अच्छा लगता है, कोई आपकी हॉबी है, जो भी आपको एक्टिविटी अच्छी लगती है वो आप करो, मे बी कहीं आप बाहर घूमने जा सकते हैं एटलीस्ट फॉर फ्यू आवर्स, और मे बी आप एक डे का भी ब्रेक ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर माइंडसेट। बट जब आप वापस बैठते हो तो आप एकदम फ्रेश माइंड के साथ आने चाहिए एंड कम बैक स्ट्रॉन्गर। यहां पर आपको अब एनालाइज करना है, बैठकर देखना है सारी चीजें जब आप वापस बैठते हैं फ्रेश माइंड के साथ कि ये मेरी ट्रेड्स थी, यहां पर मैंने ट्रेड प्लेस करी है और यहां मेरी गलती हुई, आपको क्लियरली समझ में आएगा या फिर क्या चीज आपके लिए खराब गई है। चलो अब आपको अपनी गलती पता चल चुकी है, इसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट, स्टिक टू द बेसिक्स। अब बेसिक्स का मतलब क्या है, आपने सबसे पहली चीज तो ये देखना है कि आपने ये ट्रेड प्लेस क्यों करी थी, किस रीजन की वजह से करी थी, मे बी रिवर्सल, मार्केट रिवर्सल के ऊपर आपने करी, कोई चार्ट पैटर्न को यूज करा है, कोई स्ट्रेटजी यूज करी है, या जो भी आपने एक मेथड यूज करा है ट्रेड प्लेस करने के लिए, अब आपको वो पता चल चुका है। नाउ बेसिक्स का मतलब ये कि आपको प्राइस एक्शन, ब्रेकआउट, ट्रेंड, अब इन सब चीजों को यूज करके स्टार्ट करना है अपना वापस जो आप ट्रेड स्टार्ट करेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको कहां मिल रहे हैं ऐसा मार्केट चूज करो, ब्रेकआउट का सिनेरियो कहां बन रहा है वो मार्केट चूज करो एटलीस्ट फॉर स्टार्टिंग 4 to 5 ट्रेड्स। उसके बाद में आपका देखना है कि कोई ट्रेंड कहां पर फॉलो हो रहा है, उस ट्रेंड को यूज करके आप ट्रेड प्लेस करो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जरूरी नहीं कि आप एक प्लान के ऊपर बार बार स्टिक रहो जबकि लॉसेस हो रहे हैं, फिर भी चेंज करो, कम टू द बेसिक्स और वहां से आपकी चीजें चेंज होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। नाउ फिफ्थ पॉइंट, कीप अ ट्रेडिंग जर्नल। आपका प्रॉफिट गोल कितना है, स्टॉप लॉस कितना है, उसके बाद में आपका यहां पर पर ट्रेड आप अमाउंट कितनी यूज कर रहे हो और आपको डे एंड में कितना पहुंचना है, ये सारी चीजें आपको पता होनी जरूरी है और वो भी आपकी नोटेड डाउन होनी चाहिए। जितना फिजिकली नोट करोगे उतना बेटर है, आप पेपर एंड पेन यूज करो और आपको पता रहेगा कि आपका पर डे का कितना अमाउंट रीच हो रहा है और कहां पर गलती भी हुई है, तो कितना अमाउंट आपका अभी है, आप कल आपको किस तरीके से लेना है, टोटल कैपिटल आपका कितना है, ये पूरा जर्नल आपको मेंटेन करना है। अब यहां पर मैं अपने सिंगल रूल्स में आपको पता है
कि मैक्स टू मैक्स फोर्थ ट्रेड तक जाता हूं, उसके बाद में मैं कंटिन्यू नहीं करता हूं। अगर ऐसा कुछ होता है, अगर मंथ में ऐसी कोई सिचुएशन आती है जो कि बहुत रेयर सिचुएशन है कि अब कभी हमें इस तरीके से चार्ट लगातार फेस करने पड़े लॉस, एंड उसको हम रिकवर भी करते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हमें स्टार्टिंग के एक दो ट्रेड्स में, तीन ट्रेड्स में प्रॉफिट मिल जाता है, हम प्रॉफिटेबल कन्वर्ट करते हैं। अगेन जहां पर जैसे मैं सेशन रोकता हूं तो मुझे पता है कि मेरा प्रॉफिट टारगेट यहां पर अगर दो से तीन ट्रेड में इतना हो रहा है तो वो अचीव कर लिया। उसके बाद में ग्रीड के साथ नहीं जाना है, एक बार प्रॉफिट गोल अचीव हुआ वहां पर रुकना है। सेकेंडली आपका जो लॉस स्टॉप लॉस है कितना अमाउंट का है, वहां पर अगर आप मैथ से, मैंने सेशन के अंदर सेट किया हुआ है कि फोर ट्रेड्स हैं, वहां पर आके उसके बाद में मैं चाहे कैसा भी परफेक्ट सिनेरियो मिला हो, आज तक मैंने कभी ट्रेड नहीं लिया, बिकॉज ये डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहां पर मैं हमेशा आपको बताता हूं कि अगर आपका कैपिटल लेट्स से 1,00,000 रुपए है तो आपका चार ट्रेड्स के अंदर यूजिंग मार्टिंगल 20,000 मतलब 20% कैपिटल से ज्यादा आपका नहीं जाना चाहिए, और पर डे का आपका गोल होना चाहिए। अगर 1,00,000 का कैपिटल है तो 5,000 के आसपास आपका पर डे का गोल होना चाहिए, वो आपकी कंप्लीट होना चाहिए विद इन 4-5 ट्रेड्स और मे बी मल्टीपल ट्रेड्स के अंदर, मल्टीपल सेशंस आप एक दिन के अंदर ले रहे हो, उस तरीके से आपका उतना गोल आपको अचीव करना है। एक आपका पहला ट्रेड प्रॉफिटेबल निकला, दूसरा लॉस में गया, तीसरा वापस प्रॉफिटेबल निकला, इस तरीके से आपको 5-6 ट्रेड्स प्रॉफिटेबल निकाले और आपका ये गोल अचीव हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर आपका कोई लूजिंग डे आता है, अगर आपका चार कॉन्ट्रैक्ट्स लॉस हो रहे हैं, तो मेक श्योर 20% कैपिटल से और आपका अमाउंट नहीं जाना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, और आपको पता होगा, आपको पता है कि आपको ये अमाउंट कैसे रिकवर करना, आपके पास एक ह्यूज अमाउंट पड़ी हुई 80% अमाउंट है उसको रिकवर करने के लिए, एंड बहुत ही क्विकली आप ये चीज कर पाएंगे। लेकिन अगर आप अमाउंट रैंडमली यूज करेंगे तो आपके लिए भी बहुत मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और आप प्रॉपरली डिसीजन ही नहीं ले पाओगे। सिक्स्थ एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कम्युनिकेट विद योर मेंटर्स। अब यहां पर आप किसी को भी फॉलो करते हो, जरूरी नहीं कि सिर्फ मेरी यहां पर मैं बात कर रहा हूं, जिसको भी आप फॉलो करते हैं आप उससे बात करो, आप इस फेज के अंदर आप उनको बताओ मेरे इस तरीके से लॉसेस हुए हैं, कुछ ट्राई करो सॉल्यूशंस फाइंड करने का, डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ इनपुट वहां से मिलेगा। अगर मैं अपनी बात करता हूं, मैं बहुत सारे यूजर्स डेली बेसिस के ऊपर मुझसे कम्युनिकेट करते हैं और मुझे काफी अच्छा भी लगता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, बट बात करके चीजों का सोल्यूशन निकलता है। अगर आपका कोई टॉपिक के अंदर आपको इश्यू आ रहा है या कुछ भी आता है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, नीचे टेलीग्राम की ऑफिशियल आईडीज मैंने दी हुई है, वहां पर आप मुझसे बात कर सकते हैं, और सिंगल ग्रुप के रिगार्डिंग भी आप मुझे वहीं पर क्वेरी कर सकते हैं, जो मेरा फ्री वीआईपी सिंगल ग्रुप है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी चार्जेस नहीं है, और ट्रेडिंग क्वेरीज कभी भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। दोनों सपोर्ट के लिंक नीचे ऑल इंडिया बायनमो एंड जो ज्वाइनिंग लिंक है बायनमो ऑल इंडिया के, वो भी आपको यहां पर नीचे मिल जाएंगे, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो एंड सिंगल ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, और दोनों का अलग सेपरेट ग्रुप है, बायनोमो के लिए अलग ग्रुप है अलग टाइमिंग्स है, और ऑल इन ट्रेड के लिए अलग ग्रुप है अलग टाइमिंग्स है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेवंथ पॉइंट, पेशेंस एंड प्रैक्टिस। अब आपको पेशेंस भी रखने हैं और पेशेंस के साथ में आपको प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस कहाँ करनी है, हमेशा आपको बताया जो भी मेरे रेगुलर यूजर्स है, डेमो अकाउंट पे, कभी भी रियल अकाउंट पे प्रैक्टिस मत करो, डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करो, एंड जब भी आप दोबारा ट्रेड करने बैठते हैं आफ्टर अ लॉस, आफ्टर लॉस ट्रीक, तो फिर आपको उससे पहले कुछ एटलीस्ट 5-10 ट्रेड आपको लेनी है डेमो अकाउंट पे, और उसके बाद में आपको रियल अकाउंट पे शिफ्ट करना है, ताकि आप हैंडी हो जाओ वापस 5-6 ट्रेड के अंदर, एंड देन आप रियल मार्केट में शिफ्ट होगे तो आपको इजी रहेगा। एंड ये भी बहुत जरूरी है, आपको प्रैक्टिस, चाहे लॉस हो चाहे ना हो, प्रैक्टिस करना आपका बहुत जरूरी है। तो ये थे हमारे 7 गोल्डन पॉइंट्स, एंड 7 का आंकड़ा वैसे भी आप अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, थाला फॉर अ रीजन, तो आप सभी को 7 के 7 पॉइंट्स पता होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल भी एक भी पॉइंट अगर आपने मिस करा, प्लीज वापस जाकर देखो, आप सभी की बहुत सारी चीजें चेंज कर सकता है, लॉस से कैसे वापस प्रॉफिटेबल आना है ये आपको बता सकते हैं, अगर एक भी पॉइंट आपने मिस करा है तो। एंड इस वीडियो में अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करो और कमेंट सेक्शन में अपना प्यार जरूर दिखाओ, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो जिन लोगों ने नहीं करा है। ऐसा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं आपके लिए पहले भी लेकर आता रहा हूं और आगे भी हमेशा लेकर आता रहूंगा। सिंगल ग्रुप ज्वाइन करने वो भी ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा बायनमो एंड ऑलिम ट्रेड का, जिस भी ग्रुप में आपको ज्वाइन होना है उसके थ्रू आप रजिस्टर कर सकते हैं, एंड आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं टेलीग्राम की ऑफिशियल आईडीज पे, वहां पर आपको मुझे ट्रेडर आईडी सेंड करनी है आफ्टर रजिस्ट्रेशन, एंड देन आपको ग्रुप का लिंक सेंड कर दिया जाएगा विद अ मिनिमम डिपॉजिट। एंड इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको सारी अपडेट्स मिल जाती है, सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा कहीं भी बाहर से आपको कुछ एक्सटर्नल देखने को नहीं मिलेगा, और किसी भी स्कैम्स के चक्रों में मत फंसना, जो भी पैसे मांगते हैं, जो भी अकाउंट हैंडलिंग के नाम पे चीजें करते हैं, मेरे नाम पे करते हैं, सबके सब फ्रॉड है। जो भी आपको चीजें इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड होती हैं, जो भी सर्विस होती हैं, सबके सब फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। चलिए, आई होप आपको इस वीडियो से आपकी नॉलेज कुछ गेन हुई होगी। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।